डीजे पिकअप में आपने काम करते हुए और डीजे पिकअप में जो मिस्टेक होती है वो भी आपने देख लिया है कई बार कि गाड़ी में जो मिस्टेक हो जाती है और गाड़ी की जालियां खुलने के बाद में या मशीनों का कुछ भी काम होता है तो आपने लाइव देख रखा है कि उसको वापस कैसे ठीक किया जाता है और किस तरीके से गाड़ी को खोली जाती है और उसके बाद में वापस उसे लगाया जाता है। पर आज जो आपका भाई दिखाने जा रहा है वो है कुछ अपने जो रातजी के में अपन यूज लेते हैं, जो बड़े बड़े प्रोफेशनल काम में यूज लिया जाता है, जैसे अपनी शादियों में CRP लाइट जो ट्रस्ट पे लगती है, जैसे कि आपने बहुत बार देख रखी होगी इस लाइट को। तो अपने पास है आज स्टैंड 10R जो मार्केट में कम इसकी रेट है 80,000 रुपये के करीब। एक जोड़े की ऐसी दो लाइट आती है जो 80,000 रुपये की आती है। तो ये लाइट बिल्कुल न्यू है, इसमें कुछ मिस्टेक नहीं हुई है, बस इसमें एक छोटी सी प्रॉब्लम हो चुकी है कि ये 10 साइड या 20 साइड निकालने के बाद में जो अपन गांव में साउंड चलाते हैं तो इसमें धूल मिट्टी हो जाती है बहुत भयंकर वाली। और आपको पता है धूल मिट्टी से क्या कौन सी चीज़ खराब नहीं होती, तो ये भी कुछ ऐसा ही है। जैसा कि आप इसमें देख ही रहे हो, इसका जो लेंस है, ये इसका लेंस है, इस पर आ चुकी है मिट्टी, जैसा कि आप देखो कैमरा में देख ही रहे हो। तो केवल इस मिट्टी की वजह से, जो 10R का फोक्स है जो कम से कम 7 या 8 किलोमीटर की रेंज तक होता है इसका फोक्स, तो वो अच्छे से नहीं जा पाता है। तो उसकी उस वजह से इस CRP को हमने आज खोली है। तो इस CRP को हमने कुछ ज्यादा कुछ नहीं है, 4 नट खोले हैं इसके। 4 नट खोलने के बाद में खुल चुकी है, बाकी हम कुछ नहीं करेंगे इसके लिए। और इसके लिए एक नॉर्मल सा जो सूती कपड़ा आता है उसको लेंगे और उसके बाद में ये जो लेंस है इसका, और इसमें इसमें कम से कम लेंस लगे हुए हैं अलग अलग तरह के, 5 से 6 लेंस लगे हुए हैं, कुछ एक लेंस ऐसा भी है। आप ये इस लेंस से देख रहे होंगे कि लेंस आखिर इतना छोटा सा लेंस कैसे काम करता है। तो ये जो वो लेंस है जिससे एक CRP से कम छोटी छोटी अपन 20 CRP बना सकते हैं, ये वो लेंस है। और जो ये बड़ा वाला लेंस है इससे एक बड़ी 8 किलोमीटर या 10 किलोमीटर की रेंज तक इस CRP को हम पहुँचा सकते हैं। तो अब इसकी नाजुक सी चीज़, जो चीज़ है ये, इस नाजुक सी चीज़ को अपन बिना कोई नुकसान के कैसे साफ कर सकते हैं और वापस इसे A1 कंडीशन में कैसे बना सकते हैं। तो लाइव देखो सारी चीजें, वीडियो को एंड तक देखते रहना, जब तक मैं थोड़ा टाइम ले लेता हूँ और फिर इसको तो साफ करके वापस पैक करेंगे, उसकी वीडियो भी दिखाएंगे और आपको इसके बाद में इसका फॉक्स और जो ये काम करेगी कैसे चलेगी वो भी दिखाएंगे। हमने एक नॉर्मल सा सूती कपड़ा जो है वो ले लिया है, बिल्कुल जो कि बिल्कुल 100% सूती है। तो इसके बाद में भाइयों जरा सा कुछ भी नहीं, क्योंकि ये है बिल्कुल नाजुक चीज़। अगर इसमें जरा सा छोटे छोटे नटों, छोटे छोटे वायरों पे ये चीज़ सारी चीज़ अटकी हुई है। उसके बाद में जो है इसको इस करके अगर आप ऐसे साफ करना चाहो तो ऐसे भी साफ कर सकते हो। तो इस कपड़े को कुछ नहीं, सिंपल सा ऐसे अंदर डाल के अपने को इसकी मिट्टी जो है वो साफ कर लेनी है पूरी। और नीचे ध्यान रखिए कि आपका हाथ जो है दूसरे लेंस पे टच नहीं हो जाए, वरना अगर स्क्रैच आता है तो उसके बाद में फॉक्स के अंदर रख पड़ेगा। तो आपको मैं देखो एक छोटी सी चीज बताता हूँ, एक जरा सी अभी एक बार साफ किया उसमें से इसका लेंस देखना, देख ही रहे हो आपकी एक बार कपड़े से साफ करने के बाद में इसमें कितना फर्क आ चुका है। और इसके जरा सी ये देखो ऐसे मिट्टी चली जाती है इसके अंदर। तो ये वीडियो मैं आज इसीलिए ही बना रहा हूँ मेरे भाइयों कि अगर डीजे गाड़ी का है तो आप हमेशा देखते हो कि डीजे गाड़ी का तो हम परमानेंट वीडियो लेके ही आते हैं, कोई सा भी काम करते हैं हम डीजे गाड़ी की परमानेंट वीडियो आपके लिए लेके ही आते हैं कि ये डीजे गाड़ी में यहाँ लगा हुआ होता है, यहाँ ऐसे ठीक कर सकते हैं। पर आज जो CRP की जो हम बड़े से बड़े काम में यूज लेते हैं जिस चीज़ को, उसकी वीडियो आज मैंने डाली और ये वीडियो मेरे कई भाइयों के काम आने वाली है, क्योंकि ये जो चीज़ है इसे हर कोई डीजे वाला नहीं खोलता है, क्योंकि इससे हर कोई डरता है कि इसमें कोई नुकसान नहीं आ जाए। तो अगर आप साफ सफाई करना चाहते हो अपनी CRP की, तो मेरे भाइयों आप इस तरीके से बिल्कुल बिना कोई नुकसान के CRP की साफ सफाई करके और वापस भी इसे फेयर कर सकते हो बिना कोई नुकसान के, जैसा कि मैंने बताई दिया आपको वीडियो में लास्ट तक।
और इसके बाद अब ये साफ सफाई होने के बाद में इसके पैक होने के बाद में हम इसको चला के भी दिखाने वाले हैं आपको, और 10R का जो फॉक्स होता है वो कितना आता है और साफ सफाई करने के बाद में कितना बड़ा है, सारी चीजें लाइव देखना। तो हमने इस सीआरपी की सफाई कर ली है और सफाई करने के बाद में इसे खुली कोई हम आपको चला के दिखा रहे हैं सीआरपी को कि ये कैसे काम करती है और कैसे फॉक्स देती है। तो देखो ये अभी लोड हो रही है, अभी यानी कि अभी इसने फॉक्स दिया नहीं है, केवल ये लोड हो रही है। तो लोड होने का इसका वेट करो आप। और अभी हमने पायलट या डीएमएक्स से यूज तो लिया नहीं है, तो मैं इसको ऑटो पे करके ही चला के दिखाऊंगा आपको। ये अभी सीआरपी पूरी खुली हुई है और साफ करने के बाद में कितना इसमें प्रभाव पड़ा है, कितना क्या पड़ा है वो सब देखो ना लाइव। या बाइक की वीडियो में मजा तो मजा ही आने वाला है सर जी, लाइव देखो। तो ये देखो इसकी डिस्प्ले पे अब ये सीआरपी लोड हो चुकी है अच्छे से। तो लोड के बाद में हम इसको ऑटो पे करके इसका फॉक्स दिखाने वाले हैं आपको कि इसका फॉक्स कहाँ तक जाता है। ये गया, ये ऑटो रन में गए और एक दो तीन चल जा सिंसिन, चल गई अपनी सिंसिन। तो ये ऑटो पे चल रही है और सीआरपी 10R, और उसके बाद में इसको ना तो घुमाने की जरूरत पड़ने वाली है ना कुछ। ये देखो हाँ तो है ना, ये देखने लायक और सीखने लायक दोनों चीजें ही इसमें थी कि आपने देख लिया कि सीआरपी को हम साफ करने के बाद में चला के भी आपको हमने दिखाई है। तो वीडियो आपको कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो आपके भाई के चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपका भाई एक से एक मजेदार वीडियो लाता रहेगा और आपके आगे काम आए कुछ ऐसी वीडियो भी लाता रहेगा। तो वीडियो अगर अपने चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कर देना भाई का चैनल है। मिलते हैं फिर इससे भी भयंकर मजेदार वीडियो में।